all you awesome awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Today's video is going to be a story time video. काफ़ी brainstorming करने के बाद I have come up with this idea that I want to talk about this particular incident and आपने से एक ने मेरी मदद की है इसमें. One of you had commented on one of my YouTube videos that why don't you share a story about any international layover. तो मैंने सोचा any से start करने से पहले I should talk about the very first international layover I had. So I'll be doing that. How was my experience? What was I feeling at that point of time? All of that I will be sharing in today's video. So if you are excited and if you want to know, keep on watching. When I started flying, my very first base was Trivandrum, Kerala, God's own country. I used to fly out of there. एक साल तक, almost 1 year तक मैंने वहाँ से fly किया है. सो इनिशियल के 3-4 महीने तो कोई इंटरनेशनल लेवर मैंने नहीं किए थे बिकॉज वहाँ से बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स हुआ करती थी. हार्डली देवर लाइक फोर और थ्री पैटर्न्स वी यूज टू डू. सो वी हैड अ फ्लाइट टू दमाम विच इज़ इन सऊदी, देन टू मस्कट विच इज़ इन ओमान, एंड हम कोचिन जाते थे. कोचिन में लेवर में मिलता था हमें, बट दैट वॉज अ डोमेस्टिक लेवर, है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर आ जाता है तो डोमेस्टिक होता है वो. देन दिल्ली हम लोग जाते थे, बैंगलोर जाते थे, दिल्ली लेवर मिलता था. सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक. सो डोमेस्टिक लेवर्स तो किए थे मैंने, बट मैंने कभी कोई इंटरनेशनल लेवर नहीं किया था. एंड जो हमारी दो फ्लाइट्स थी, दमाम एंड मस्कट, दोनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स, टर्न अराउंड फ्लाइट हुआ करती थी. सो टर्न अराउंड बोले तो व्हेन यू गो ऑपरेट अ फ्लाइट एंड देन यू कम बैक द सेम डे. आफ्टर 3-4 months दे डिसाइडेड दैट दमाम जो हमारी फ्लाइट है, ठीक है, दमाम इज इन सऊदी अरेबिया. सो जो दमाम की जो हमारी फ्लाइट है बहुत लंबी फ्लाइट है, मतलब ऑलमोस्ट 10 घंटे लग जाते थे आने जाने में. फ्लाइंग टाइम यूज टू बी अराउंड 5-5.5 hours एक सेक्टर, एंड इट यूज टू बी अ नाइट फ्लाइट. हमारी रिपोर्टिंग टाइम होती थी समवेयर अराउंड 7 at night, ठीक है. हम रिपोर्ट करते थे एयरपोर्ट पे, 2 घंटे बाद हमारा डिपार्चर हो जाता था बिकॉज वी हैड टू रिपोर्ट 2 hours प्रायर, ब्रीफिंग वगैरह वो सब करना, सो एयरक्राफ्ट प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें टाइम लगता था. तो 2 घंटे बाद फिर डिपार्चर हो रहा है, फिर आप मतलब मिडनाइट में तो आप वहाँ लैंड करोगे दमाम में, है ना, फिर वहाँ से वापस आओगे. सो मॉर्निंग में देन यू आर लैंडिंग बैक, सो यू आर लिटरली अ ज़ॉम्बी. सो फाइनली दे डिसाइडेड दैट यू नो दैट फ्लाइट विल नो मोर विल बी अ टर्नर और फ्लाइट, इट विल बी अ लेवर फ्लाइट. तो लेवर बोले तो कि अब हम जाएंगे ऑपरेट करेंगे एक सेक्टर, सो यू ऑपरेट ट्रिवेंडम दमाम, आप वहाँ लैंड करोगे, यू विल स्टे देयर फॉर 24 आवर्स, एक दिन का आपको लेवर मिलेगा, एंड देन नेक्स्ट डे यू विल कम बैक ऑपरेटिंग दमाम ट्रिवेंडम सेक्टर. फिर जब हमें इस बारे में पता चला, बेस में एक खबर फैली आग की तरह कि हमारा दमाम लेवर स्टार्ट होने वाला है, वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड. मतलब जितनों से मैंने बात की एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड कि एक तो इंटरनेशनल लेवर स्टार्ट हो रहा है ना, तो इंटरनेशनल लेवर मतलब कि यू विल बी विजिटिंग अ न्यू कंट्री, ठीक है, चाहे पेरिस लंदन नहीं तो कम से कम दमाम ही सही, आपको एक नई कंट्री घूमने को मिलेगा, विजिट करने को मिलेगा. एंड इंटरनेशनल लेवर अलाउंस विच मीन्स, सो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो था कि हमें रेस्ट मिलेगा, क्योंकि ना थक जाते थे, बहुत लंबा पैटर्न हो जाता था ऐसा आना जाना ना. तो हमें जब पता चला कि अच्छा अब नया दमाम लेवर स्टार्ट होने वाला है, एवरीबडी स्टार्टेड चेकिंग देयर रोस्टर. रोस्टर बोले तो टाइम टेबल. टाइम टेबल मतलब कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी फ्लाइट आप ऑपरेट करने वाले हो उस पर्टिकुलर मंथ में. हर मंथ का नया रोस्टर आता था. सो मैंने भी किया, एंड देन आई सॉ कि ओह आई हैव अ दमाम लेवर. आई वाज सो हैप्पी, इतनी खुश मैं हो गई. मैंने कहा अरे वाह, मतलब लिटरली बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, इतनी खुश थी मैं. होता ही है, मतलब व्हेन यू ट्रैवल टू अ डिफरेंट कंट्री द एक्साइटमेंट लेवल इज डिफरेंट बिकॉज यू नो इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज योर ओन कंट्री, एंड यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. उस एक्सपीरियंस से आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, पीपल विल बी डिफरेंट, एंड यू नो तो मतलब मज़ा तो आता है दूसरी जगह जाके ना. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. तो मैं बड़ा इंतजार कर रही थी, फाइनली मेरी रोस्टर में है तो मैं बड़ी खुश हो गई. तो मैं कहा चलो चलते हैं. तो जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर गई फ्लाइट पे, एंड मेरा सेट ऑफ क्रू भी अच्छा था. आई डोंट रिमेंबर कौन था, बट अच्छा ही था. मेरे को भी याद नहीं है बिकॉज ये मैं बात कर रही हूँ मतलब ऑलमोस्ट 8 साल पहले की, ठीक है. सो मुझे भी याद नहीं है कौन कौन था, बट इट वॉज लाइक आई हैड अ गुड सेट ऑफ क्रू, ठीक है. हम लोग 5 लोग थे कैबिन क्रू, 2 pilots थे. वी वर ऑपरेटिंग ऑन बोइंग 737, उस पर हम फ्लाइट ऑपरेट कर रहे थे. और जो टाइम डिफरेंस है मतलब इंडिया और दमाम में या सऊदी में, इट्स 2.5 hours. सो इंडिया इज 2.5 hours अहेड ऑफ सऊदी, ठीक है. सो इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं, टाइम डिफरेंस नहीं, तो आपको जेट लैग नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे दिन हो रहा है तो वहाँ रात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब वहाँ पे भी रात हो रही है, यहाँ पे भी रात हो रही है, इट जस्ट 2.5 hours का डिफरेंस है. तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, एंड वी बॉडी द एयरक्राफ्ट. में पता था कि यू नो
बस यही सेक्टर हमें ऑपरेट करना है, उसके बाद हमको रेस्ट करने को मिले, उसके बाद हमको सोने को मिलेगा, तो हम लोग उस चीज के लिए भी काफी खुश थे। वहां पे जाने से पहले मतलब ऑफकोर्स वेन एवर यू आर विजिटिंग अ न्यू कंट्री तो आपको एक ब्रीफ दिया जाता है कि सो दैट यू आर अवेयर अबाउट सर्टन थिंग्स लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में आप जा रहे हो तो ऐसे कचरा लेटर यू नो यू कांट थ्रो हेयर एंड देयर यू नो फाइन होता है उस पर लगता है, ड्रग्स कैरी नहीं कर सकते हैं जो कि वो करेगा नहीं, बट देन यू नो सर्टन थिंग्स यू शुड नो अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री सो देन यू आर अवेयर। जब हम दमाम जा रहे थे तो हमें बताया गया था स्पेशली फॉर फीमेल कैबिन क्रू कि आपने अबाया पहनना है, बुरखा जो होता है ना, यू हैव टू कवर योर एंटायर बॉडी, सो यू हैव टू वेयर दैट बुरखा अबाया, यू हैव टू कवर योर हेड ऑल्सो, यू हैव टू कवर योर हेड ऑल्सो वेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर रूम। रूम के अंदर आप कैसे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जब भी आप बाहर निकल रहे हो सो मेक श्योर यू योर बॉडी इज कवर्ड एंटायरली, ठीक है। सो वी वर अवेयर अबाउट इट, तो आप चाहो तो मतलब इंडिया से भी लेके जा सकते हो बुरखा अबाया, और अगर आप चाहो तो वहाँ होटल में भी बोल सकते हो कि आई नीड वन, दे विल गिव इट टू यू। सो यूनिफॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें एज सच, यूनिफॉर्म में अगर आपने पहन रखा देन यू डोंट हैव टू वेयर दैट अबाया ना, बट इफ यू आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म सो देन यू हैव टू। सो आप कहीं भी जा रहे हो, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, जिम जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो आपको पहनना पड़ेगा। सो वी वर अवेयर अबाउट इट, यू नो सर्टन थिंग्स यू शुड नो वेन यू आर विजिटिंग अ कंट्री, वहाँ का कस्टम्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, यू शुड नो एंड यू शुड रिस्पेक्ट। इनफैक्ट मैंने एक दमाम लेओवर का व्लॉग भी बनाया था विच इज़ देयर ऑन माई चैनल, आई विल लीव द लिंक, तो उसमें आपको और डिटेल में समझ आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई विल लीव द लिंक ओवर हियर ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वी रीच्ड वेरी हैप्पी, डिप्लेन कर रहे हैं अब तो एयरक्राफ्ट से पैसेंजर्स के साथ, नॉट साथ, उनको टटा बाबा करके थैंक यू गुड बाय करके। एयरक्राफ्ट से डिप्लेन होने के बाद आपको कस्टम्स और इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, राइट, चाहे पैसेंजर हो, चाहे आप क्रू हो, स्टाफ कोई भी हो, आपको जाना पड़ता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो देन यू हैव टू गो थ्रू दीज चैनल्स, ठीक है। सो कस्टम्स तो बेसिकली बैगेज का देखता है कि कुछ इलीगल स्मगलिंग वगैरह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है, एंड यू नो वट एवर यू आर कैरिंग तो एक लिमिट में होना चाहिए, अगर आप एक्सीड करते हो देन यू हैव टू पे द टैक्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो दे टेक केयर ऑफ दैट, है ना। इमिग्रेशन क्या डॉक्यूमेंटेशन देता है, बेसिकली आपका पासपोर्ट वगैरह, सो आप व्हेन यू पुट द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पासपोर्ट, जैसे आप स्कैन करते हो सारी डिटेल्स आ जाती है, तो बंदा कौन है, क्या है, अगेन कोई क्रिमिनल तो घुसने की कोशिश नहीं कर रहा आपके कंट्री में, इलीगली कोई घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो दे चेक ऑल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली कि वैलिड है कि नहीं है या जेन्युइन है कि नहीं है, सो वो सब चीज़ें वो देखते हैं। सो कस्टम्स क्लियर किया हमने, और कस्टम भी क्या क्लियर करना, मतलब ऐसे मतलब हम क्रू है दिखा दिया आपने अपने, एक एक बंदा जा जाके बोल देता है कि हाँ ये क्रू है ये सब है। जब हम इमिग्रेशन के पास पहुंचे तो एक एक जो बंदा है वो जाएगा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में, अपना पासपोर्ट दिखाएगा, वो जो भी चेक वगैरह करना करेंगे एंड देन यू कैन गो, ठीक है। सो आई गिव माई पासपोर्ट एंड देन आई एम वेटिंग देयर दैट ओके आफ्टर स्कैनिंग दिस पर्सन विल गिव मी बैक माई पासपोर्ट। कोई पासपोर्ट नहीं मिला, फिर बोले नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट मेरा पासपोर्ट तो वापस दो मुझे। जनरली यही होता है, आपका पासपोर्ट देते हैं लेते हैं मतलब वो स्कैन करते हैं एंड दे गिव इट बैक टू यू। आई गॉट स्कैन मिलती है पर पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है मैं। वेन यू आर ट्रैवलिंग टू अ फॉरेन कंट्री पासपोर्ट आपकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। सो यू आई आई गॉट स्कैन मिलती है मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। उन्होंने दूसरे का पासपोर्ट लिया, तीसरे का पास, सबका पासपोर्ट ले लिया, ये क्या हो रहा है। सो देन वी गॉट टू नो कि ये जो पासपोर्ट हैं वो अपने पास रखेंगे एंड जब हम कल वापस आएंगे सो देन हम इनसे वापस लेंगे अपना पासपोर्ट, ठीक है। दे विल गिव इट बैक टू अस बट अभी फॉर द टाइमिंग दे विल कीप इट टू इट विद देमसेल्व्स। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी इफैक्ट, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज यू नो पासपोर्ट इज लाइक योर आइडेंटिटी यू नो व्हेन यू आर इन अ फॉरेन लैंड। जैसे आप इंडिया में हो तो आपका आधार कार्ड चल जाता है कि हाँ कि आप इंडियन हो, ये आपका प्रूफ है, मैं यहीं का नागरिक हूँ, मैं इलीगली नहीं रह रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। अब आप कोई बाहर कंट्री में जाओगे, अब आप आधार कार्ड दिखाओगे तो इट्स नॉट वैलिड, कौन बोलेगा क्या मतलब क्या है ये आधार कार्ड, वी डोंट नो, है ना। सबकी कंट्री का अलग अलग होता है, बट पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर नेशनैलिटी के पास होगा अगर आप कोई दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जरूरी कि सबके पास होगा, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट कंट्री यू विल हैव अ पासपोर्ट, सो दैट इज़ लाइक योर आइडेंटिटी प्रूफ दैट यू नो आई एम दिस पर्सन, आई मीन नेशनैलिटी ये है, मैं यहाँ से हूँ, तो यू नो द टाइम मैंने ट्रैवल किया है इलीगली, कोई तो नहीं रह रहा, ये सब चीज़ें ना। अगर आपने क्वीन में देखा होगा तो उसमें जो पुलिस वाला है वो कंगना रनौत से पूछता है, कंगना
कंगना रनौत से पूछता है कि आपका पासपोर्ट दिखाओ. सो एक तो उनकी लैंग्वेज बैरियर होता है तो उसको समझ में नहीं आता है. फिर देन शी टेल्स हिम कि मेरा पासपोर्ट यहाँ नहीं है, होटल में है. तो होटल का नाम भी उसको ढंग से नहीं पता होता है. काफ़ी यू नो प्रॉब्लम में वो फंस जाती है. फिर देन ऑफ कोर्स दैट अनदर गर्ल शी कम्स इन द पिक्चर एंड देन शी हेल्प्स द हीरोइन कंगना. एंड शी टेल्स हिम कि नहीं, ये फिर पासपोर्ट, तो बेसिकली पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप कहीं भी फंस जाओ, आप बता सकते हो कि देखो आई एम दिस पर्सन, आई एम स्टेइंग इन दिस होटल एंड ये सब चीज़ें ना, कि इलीगली आप नहीं रह रहे हो उनकी कंट्री में. सो बेसिकली उसके लिए मैंने कहा तो पासपोर्ट ले लिया है, अब मैं क्या करूँगी. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया. उन्होंने कहा कि जितना भी क्रू है सारा अपना डिटेल्स फिल करेगा, नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी एंड दो तीन चीज़ें शायद और थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये तीन चीज़ें तो मेन है. ठीक है, वो सारी चीज़ें वो करेंगे. देन दे पुट अ साइन स्टैम्प, उसकी जो कॉपीज बना के हम सबको दे देंगे. ठीक है, जैसे 7 लोग हैं हम लोग इंक्लूडिंग द पायलट्स, तो हम 7ों को दे देंगे. सो दैट इफ यू आर गोइंग आउट या होटल में भी यू कैन शो इट टू देम कि यू नो दिस इज वॉट आई, दिस इज वॉट इट इज, मैं ये पर्सन हूँ, मेरा पासपोर्ट वहाँ पे. तो भाई मुझे आप मतलब अगर इफ आई फॉल इन टू एनी ट्रबल सो आई कैन शो माई दिस थिंग, दिस डॉक्यूमेंट. सो कल को मैं बोलूँ कि अच्छा आई एम अ कैबिन क्रू, कौन बिलीव करेगा, है ना. सो आई कैन शो दैट डॉक्यूमेंट लाइक दिस इज द प्रूफ. एंड तो बेसिकली उसके लिए फिर भी मतलब मैं शॉक में ही थी. मैं होटल पहुंचते पहुंचते मैं क्यों रख रहे हैं, मतलब लाइक आई वाज वंडरिंग व्हाई, बट स्टिल आई डोंट नो द एक्सक्यूज मी, लेट मी हैव सम वाटर. या सो स्टिल आई डोंट नो कि उन्होंने पासपोर्ट क्यों लिया, बट चलो ले लिया. ठीक है, फिर सबका ले लिया तो इतना डर नहीं लगने लगा. मैंने कहा चलो सब फंसेंगे साथ में फंसेंगे. होटल पहुंचे हम, और अभी जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ जहाँ पे दे टेक योर पासपोर्ट, आई एम नॉट श्योर अभी करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया मुझे तमाम गए हुए सऊदी ट्रैवल करे हुए. सो आई रियली डोंट नो वॉट इज़ द प्रोसेस प्रोसीजर नाउ, बट दैट टाइम तो ये था प्रोसीजर एंड इट वॉज शॉकिंग टू मी. एंड आई थिंक नाउ इट हैज़ चेंज, आई एम नॉट श्योर, बट दैट टाइम इट वॉज लाइक दैट. ठीक है, होटल पहुँचे, पहुँचने के बाद चेंज वेंज किया, थके हारे थे, सो गए, और नेक्स्ट डे वी गॉट अप, है ना. अब आया वगैरह मैंने कॉल करके बताया बताया रिसेप्शन को, उन्होंने भिजवाया. देन पहन के मज़ा भी आया, यू नो इज समथिंग, मतलब मैं शायद कभी करती भी नहीं ना अपनी ज़िंदगी में, पहनती नहीं, क्योंकि ऐसे पहनना होता ही नहीं है तो पहनोगे क्यों आप ना. बट बिकॉज आई वॉज देयर एंड वहाँ पे चीज़ें वैसी हैं तो आपको फॉलो करनी पड़ती है, तो उस बहाने है ना यू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट. सो मैंने वो अबाया पहना एंड यू नो फोटो वोटो बड़ी खिंचवाई मैंने, मज़ा भी आ रहा था ना, समथिंग डिफरेंट. देन वी वेंट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए गए, अच्छा बढ़िया बुफे लगा हुआ था, तो हमने कहा चलो बड़ी भूख लग रही है अब खाना खाते हैं. बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, और सिर्फ दमाम की प्रॉब्लम नहीं, बहुत जगह मतलब ये प्रॉब्लम ऐसे होती है कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. ठीक है, सो द थिंग इज़ कि समटाइम्स मुझे कुछ आइटम्स में से ना बहुत अगर स्मेल भी आ रही होती है ना नॉन वेज की, तो फिर मैंने आई कॉन्ट हैव इट. लाइक यू नो स्पेशली कोस्टल एरियाज में अगर मैं कहीं जाए, जैसे सिंगापुर, बाली गए, बैंकॉक गए, तो यहाँ पे ना कोस्टल एरिया तो ज़्यादा स्मेल आती है वो फिश की, हर चीज़ से, मतलब मुझे आती है पर्सनली, आई डोंट नो सबका अलग होता है, पर मुझे आती है, तो देन आई कॉन्ट हैव इट. ठीक है, सो वहाँ पे ना, वहाँ पे रॉ रॉ मीट तो नहीं बोलूँगी, वहाँ पे क्या गॉड नोज वॉट ऑल थिंग्स वर केप्ट ओवर देयर, देयर वॉज अ डिफरेंट सेक्शन, इट वॉज नॉट दैट इट वॉज केप्ट, सब चीज़ साथ में, फ्रूट्स का अलग था, आपका ब्रेड्स का अलग था, सीरियल्स का अलग था, देन जो पका पकाया खाना वो अलग था, इनके सब सेक्शन अलग था. मतलब मुझे इतनी स्मेल आई थी ना, मैंने कहा हाय मैं कैसे खाना खाऊँगा ना, मुझे मतलब मन ही नहीं कर रहा था, यू नो अंदर से ऐसे मेरी आत्मा ही गवाही नहीं दे रही थी कि तू खा ले, वो भूख भी लग रही थी. देन आई हैड, आई थिंक आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मतलब एक बन बन कुछ खाया होगा मैंने, ऐसे कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था ऐसे करके ना. एंड आई आई एम ऑल्सो दिस पर्सन जिसे इंडियन खाना चाहिए होता है, मतलब देसी खाना मिल जाए तो बहुत खुश हूँ मैं. ऐसा नहीं कि मैं, ऑफकोर्स मुझे और क्विजीन पसंद है, बट माई कम्फर्ट फूड इज़ दैट. तो मतलब आई लुक फॉर ऑप्शन लाइक दैट. मुझे याद है व्हेन आई यूज टू गो टू टोरंटो ऑल्सो, तो वहाँ पे भी मैं इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ तो ईजिली मिल जाता था ना, इतने इंडियंस हैं, वो ढूंढती थी कि कुछ मिल जाए ना खाने के लिए इंडियन. तो आई लाइक आई एम दिस पर्सन, या सो नॉट फूडी, एंड अगर फूडी तो ओनली फॉर इंडियन फूड, तो ये मेरे से प्रॉब्लम है. इमेजिन आई वॉज अ कैबिन क्रू, बताओ. देन वी गॉट रेडी एंड देन वी आस्क अच्छा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा मॉल चले जाओ, ज़्यादा कुछ घूमने के लिए था नहीं वहाँ पे, सो मैं मॉल चले जाओ. वी वेंट टू द मॉल, है ना, वहाँ गए, वहाँ पे स्टारबक्स था, तो स्टारबक्स जाके कॉफ़ी पिया, तो कॉफ़ी पियो तो उससे भी पेट भर जाता है ना थोड़ा. देन आई हैड आई थिंक बास्किन रॉबिन्स गई मैं वहाँ पे, फिर मैंने आइसक्रीम भी खा लिया ऐसे करके ना, पेट भरी थी मैं अपना, तो ऐसे करके. एंड द मॉल वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छे ऑप्शंस थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी,
ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे फेमस है वो सारी चीज़ें हमने थोड़ा देखा, एक्सप्लोर किया, अच्छे अच्छे कौन कौन से आउटलेट्स हैं, सम ऑफ देम वर नॉट इन इंडिया, सो यू नो हम लोग वो सब चेकआउट कर रहे थे. देन वी रियलाइज दैट क्या हुआ, सडनली जिस जिस शोरूम के अंदर हम थे वो बंद हो गया, मतलब उन्होंने शटर क्लोज कर दिया. आई गॉट स्कैर्ड अगेन, मेरे ये क्या हो गया, यू नो मतलब ये चीज़ क्या, मतलब दिस दिस इज समथिंग न्यू. मैंने कहा बंद क्यों कर दिया हमें, आई रियली गॉट स्कैर्ड. देन आई गॉट टू नो दैट यू नो वहाँ पे जैसे 5 टाइम की नमाज आप पढ़ते हो, तो जब 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, जब भी नमाज पढ़ते हैं तो एवरीथिंग शट्स, मतलब वो बंद कर देते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती है, मतलब ऐसा होता है बेसिकली. सो वेर एवर यू आर, तो यू जस्ट वेट, तो जितने देर की नमाज हो रही है, जब तक नमाज हो रही है आप वेट करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगी तो देन अगेन जो नॉर्मल अपने दिनचर्या वो चलनी शुरू हो जाएगी. बट जब चल रही है नमाज उस टाइम पे यू विल बी देयर वेर एवर यू आर एंड एवरीथिंग विल शट. तो ये चीज़ था, ऑफकोर्स आई वॉज नॉट अवेयर, तो आई गॉट लिटिल स्कैर्ड, बट देन आई गॉट टू नो, आई वाज लाइक ओके फाइन. पर मैंने कहा 5 बार, मतलब इमेजिन 5 बार चटर बंद करना खोलना, तो आई वाज लाइक ओके. बट देन देयर वाज नथिंग स्कैरी एज सच, इट्स जस्ट दैट कि दिस इज हाउ थिंग्स आर. सो देन वो एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की देखने को मिली, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है. देन थोड़ा जो भी शॉपिंग वॉपिंग किया उसके बाद वी वेंट बैक. उसके बाद जो कैब में हम गए थे, सो हमको बोला था कि जब भी आप कुछ कैब वगैरह करो वहाँ पे, सो मेक श्योर आप जो या तो इंडियन हो कोई या तो पाकिस्तानी कोई हो, यू नो इन लोगों की कैब करना, लोकल्स की मत करना, मतलब जो आउटसाइडर्स हैं उन लोगों की करना, लोकल्स की कैब मत करना, मतलब इट्स नॉट सेफ, ऐसा मतलब वॉट वी हर्ड. ठीक है, सो ऑफकोर्स कोई रिस्क तो लेना नहीं चाहता है ना, कि नहीं लेट मी ट्राई. तो जो भी मतलब आप ऑफकोर्स अगर आपने कुछ चीज़ सुनी है तो आप अवॉइड ही करना चाहोगे ना. सो देन हमने कैब करा, कैब में फिर देन दिस देर वॉज दिस गाय, ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, सो वी आर इंटरेक्ट है, वो नॉर्मल लैंग्वेज तो हिंदी है तो बात तो हो ही जाती है. तो हम लोग पूछते थे अच्छा कैसे, क्या, कब से आप यहाँ पे हो, उसको बताए थे. आई आस्ट हिम, मैंने कहा आपको मन नहीं करता घर जाने का, मतलब बिकॉज बहुत आइसोलेटेड, मतलब दो इट वॉज अ वेरी प्लान्ड सिटी, बहुत स्ट्रक्चर्ड, घर भी बड़े प्लान्ड, बहुत अगर अच्छे से मतलब प्लान करके बनाई हुई थी उन्होंने, बट स्टिल वो मतलब अकेलापन तो लगता ही है ना दूसरी जगह में. तो एज ए सास टीम, मैंने कहा आपको लगता नहीं, याद नहीं आती घर की. सो सर कि अब मैम अगर याद भी आए तो क्या कर सकते हैं, मतलब ना एक बंदे को तो सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा ताकि और लोग अच्छे से आराम से रह सके. एंड आई वाज लाइक दैट्स सो ट्रू, मतलब इट्स अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ यू नो. एंड इवन इनफैक्ट आई रिमेंबर ऑन वन ऑफ माई फ्लाइट्स, सो बहुत लंबी फ्लाइट्स होती थी ना, तो समटाइम वी इंटरेक्ट विद द पैसेंजर्स ऑल्सो, पैसेंजर ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू समवन, सो गप्पे हम मार लेते थे. सो आई रिमेंबर देर वॉज दिस सरदार जी, ही वॉज देयर. सो यू नो तमाम जेड्डा रियाद ऐसे जो सेक्टर्स में जनरली जो स्किल्ड लेबर होता है वो ट्रैवल करता है इंडिया से, है ना, क्योंकि उनको अच्छे पैसे मिले होते हैं, घर अच्छे से चल जाएगा ऐसे करके ना, तो देन दे चले जाते हैं कि चलो कैसे सर्कमस्टांसिस में वो रहते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट देन बेचारे वो एक ये सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली के लिए ना. सो आई रिमेंबर दिस सदाजी वॉज ट्रैवलिंग एंड देन आई आस्क्ड हिम सर कब कितने साल बाद जा रहे हो आप, ही सेड कि मैं 3 साल बाद जा रहा हूँ. 3 साल बाद या 4 साल बाद जा रहा हूँ घर वापस. मैंने कहा ओ माई गॉड आपको, मैंने कहा याद नहीं आती. बोलता आप बार बार देखो जाने को, इतना एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतने टाइम के बाद जा सकते हो, ऊपर से अगर आप ट्रैवल करोगे ज़्यादा तो पैसे खर्च होंगे टिकट में, तो वो बचा सकते हैं हम, तो वो पैसे बचा सकते हैं, सो यू नो बचाने के लिए भी दे डोंट ट्रैवल. लाइक दैट सो सैड ना, एंड देन ही ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग, यू नो वन पर्सन हैज टू सेक्रीफाइस. लाइक दैट सो स्वीट बट देन दैट सो सैड ऑल्सो फॉर देम ना. एंड यू नो जब जाते थे ना ये लोग, मतलब फ्लाइट के लिए वन दे आर डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया, तो एक एक बैग इनके आएंगे, जब वहाँ से वापस आते थे इतने बड़े बड़े बैग्स, ड्यूटी फ्री के थैले वगैरह, शॉपिंग करी होती थी, बड़े बड़े टॉयज, मतलब ऐसे ऐसे टॉयज लेके आते थे ना कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, इतने बड़े बड़े टॉयज वगैरह, चॉकलेट्स एंड वॉट नॉट, यू नो जो भी फेमस होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ का जो भी फेमस होता है, तो वो दे यूज टू बाई इट फ्रॉम द एयरपोर्ट या जो भी शॉपिंग करके ना, किसके लिए, घर वालों के लिए, कि जाएंगे इतने साल बाद जा रहे हैं तो यू नो इनके लिए. तो दैट्स लाइक बड़ा स्वीट लगता था वो देख के ना, मतलब इट्स वेरी स्वीट. हालांकि हमें जगह नहीं होती थी हमारे एयरक्राफ्ट में, हम बोलते सर अंडर द सीट, सारे पैकेट्स ना अंडर द सीट, बैग ऊपर रख लो, पैकेट्स अंडर द सीट, बिकॉज जगह ही नहीं होती, तो ओवर हेड बेंच में इतने बड़े बड़े थैले लेके आए इतनी शॉपिंग करके. फिर देन हम पूछते सर ये किसके लिए, ये मेरी भतीजी के लिए है, ये मेरे बेटे के लिए है, ये मेरी बहन का लड़का, मतलब इस टाइप से ना कि इनके लिए मैं लेके जा रहा हूँ. सो दैट चू इज़ वेरी स्वीट, बट यू नो इट वॉज वेरी स्वीट. एक तो गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, एक और चीज़ है बहुत गर्मी, मतलब इतनी गर्मी मैंने ज़िंदगी में महसूस नहीं की जितनी मैंने वहाँ करी, इतनी गर्मी, ऐसा लगता था मुझे कि ना मुझे आई लैशेज है ना वो जल के गिर जाएंगे, इतनी गर्मी, इतना डिहाइड्रेशन फील होता था.
Oh my God, I can't tell you. So the heat was unbearable. ऊपर से तो we are wearing this, है ना, ऊपर से इतनी गर्मी. तो एक तरीके से वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है हमारी स्किन को, बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड, बट देन इट वॉज अनबेरेबल. तो हम लोग वापस अपने होटल पहुंचे, आराम किया, बिकॉज फ्लाइट भी तो ऑपरेट करनी थी ना. दैट इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ क्रू, और इफ यू आर फ्लाइंग, और इफ यू आर अ क्रू, ठीक है, और अगर आप रेस्ट नहीं लेते तो प्लीज रेस्ट लेना शुरू करो, बहुत जरूरी है. फ्लाइट से पहले यू हैव टू मेक श्योर योर बॉडी, योर माइंड इज वेल रेस्टेड. वो कैसे होगा, जब आंखें बंद करके से सो जाओगे आप, ठीक है. सो मेक श्योर यू डू दैट. ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज करी, कि जैसे मैंने आपको बताया ना खाने का जो स्ट्रगल मैंने फेस किया, मैंने एक चीज़ सीखी उस लेवल से कि जब भी जाओ बाहर अपना खाना लेके जाओ, ठीक है. अगर आप इतने फ्रीकी हो तो यू बेटर गेट योर ओन फूड, ठीक है. सो जब भी उसके बाद मैं लेवर पे गई, कहीं पे भी गई उसके बाद, चाहे वो दमाम हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो काठमांडू हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पेरिस, कुछ कहीं पे भी गई होंगी, मैंने हमेशा अपना घर का खाना लेके गई, एटलीस्ट एक टाइम का, कि एटलीस्ट आई एम नॉट स्टार्विंग माई सेल्फ. कि वॉट इफ आई डोंट गेट एनी थिंग, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, सो इफ आई डोंट गेट एनी थिंग एटलीस्ट आई विल हैव समथिंग. सो खाने का, एक तो खाना पैक करके ऊपर से उसके साथ चटपटा भी लेके जाती थी मैं, कि यू नो अगर मुझे कभी मन हुआ तो यू नो आई कैन हैव, आई शुड हैव ऑप्शंस, ऐसे करके. सो दैट्स अनदर थिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग आफ्टर दैट, आफ्टर दैट लेओवर. एंड देन उसके बाद हम तैयार होके गए, निकले, एयरपोर्ट पहुँचे, इमिग्रेशन के पास पहुँचे, अपना पासपोर्ट वापस लिया. इतनी खुशी हुई मुझे कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस मिल गया ना, बिकॉज कहीं ना कहीं ना बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था, या मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, मेरा पासपोर्ट नहीं. तो वैन फाइनली आई गॉट माई पासपोर्ट बैक, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड. एंड देन वी बॉडीड द एयरक्राफ्ट, वी डिड आर जॉब, लैंडेड, वेंट बैक होम, एंड देन शेयर द एंटायर एक्सपीरियंस विद द फैमिली, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ करके. सो या दैट वॉज हाउ माई फर्स्ट इंटरनेशनल लेवर वॉज. इट वॉज नाइस, अच्छा था, डिफरेंट कंट्री में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी, समझी. एंड यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आप पढ़ते हो और उसको फिर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना वो अलग एक चीज़ हो जाती है. यू नो आप फिर अगर जब आप एक्सपीरियंस करते हो खुद, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हो, कहीं ना कहीं उसका लॉजिक भी समझ में आपको आता है कि हाँ दैट इज़ द रीज़न वाई. सो दैट इज़ वॉट आई यूज टू लव अबाउट माई जॉब, दैट यू नो इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, ट्रैवल डिफरेंट कंट्रीज, अंडरस्टैंड द कल्चर, द पीपल, एंड देन यू कैन मेक योर ओन परसेप्शन. सो योर परसेप्शन, योर ओपिनियन इज नॉट बेस्ड अपॉन वॉट यू हैव रेड और वॉट यू हैव हर्ड. यू आर मेकिंग ऑल दैट यू नो दोज परसेप्शन, ओपिनियन बेस्ड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस. सो विच इज़ वेरी नाइस. एंड यू नो यू ग्रो एज अ पर्सन, यू ग्रो अ लॉट एज अ पर्सन, एंड देन यू बिकम वेरी अंडरस्टैंडिंग, अकोमोडेटिव. मतलब यू लाइक यू नो यू थिंग्स लाइक यू नो कि वाई शुड आई डू दिस, हमारे यहाँ तो नहीं करते ऐसा, ये चीज़ नहीं आती, बिकॉज यू नो दैट यू नो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू नो अडेप्टेबल. सो ये दो क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर अ कैबिन क्रू. सो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, सिर्फ टाइम टेबल को ले, टाइम टेबल इन द सेंस शेड्यूल को लेके नहीं है, फ्लाइंग टाइम को लेके नहीं है, पर हाँ व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेसेस लाइक दीज, एंड यू नो एवरी डे यू आर फ्लाइंग विद न्यू सेट ऑफ पीपल, तो ये चीज़ें होना, ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ कैबिन क्रू. सो जी हाँ, आज की कथा यहीं समाप्त होती है. सो दैट इज़ वॉट हैपन्ड, एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा इसमें, इंजॉय किया होगा आपने. सो मैं आशा करती हूँ. एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीपल हु थिंक दैट आई एम नॉट रेगुलर, आई एम वेरी रेगुलर ऑन यूट्यूब. आई मतलब इट्स बीन मोर देन अ मंथ दैट आई एम रेगुलरली पोस्टिंग, या तो शॉर्ट्स वीडियो या फिर यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टू कैबिन क्रू. मेजॉरिटी ऑफ माई वीडियोज आर ऑफ कोर्स रिलेटेड टू कैबिन क्रू. सो जो भी टॉपिक्स मैंने कभी पहले डिस्कस नहीं करे थे, और या किसी ने पूछे थे इन द पास्ट एंड मैंने लिख के रखे हुए थे, तो उसके सबके बारे में मैं वीडियोज बना रही हूँ एंड पोस्ट कर रही हूँ. तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, जाइए उसको देखिए, अप्रिशिएट करिए, फीडबैक दीजिए कि मुझे बनाते रहना चाहिए, नहीं बनाते रहना चाहिए, या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ. जस्ट शेयर योर फीडबैक विथ मी, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखिए उसको जाके, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं भी मोटिवेट होगी, यू नो. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू सपोर्ट मी लाइक यू यूज टू डू अर्लियर. आई नो काफ़ी गैप हो गया बीच पे, पर देर वर रीजन्स, दैट इज़ द रीजन वाई आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, बट हियर आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट. सो आई नीड योर लव एंड आई नीड योर सपोर्ट, एंड आई वॉन्ट यू टू वॉच माई वीडियोज, प्लीज. सो मेक श्योर यू चेक इट आउट, एंड या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, इफ यू हैव एनीथिंग टू से, यू कैन सिंपली राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू रीड इट,
And that's all for today. I shall see you in my next one. Thank you. Take care. Also, कोई suggestion है कि क्या video बनानी चाहिए next? Drop it down. Okay? चलो. Bye.